अब आ गए हैं आपके बीच रॉयल इवेंट एंड डेकोरेशन आपके शहर सिलवास में। तो देर किस बात की, डेकोरेशन को करवाने के लिए अभी कांटेक्ट करें रॉयल इवेंट एंड डेकोर से। नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं इस वक्त मैं दिल्ली में हूं, जहां पर आप पीछे देख रहे होंगे यूपी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव, यानी यहां पर मैं हूं। और अगर बात की जाए हमारे सिलवासा के युवाओं की, तो आज यह खबर आप लोगों को देखनी चाहिए। सिलवासा से जब कोई व्यक्ति बाहर जाता है और सिलवासा का नाम रोशन करता है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में भी एक बहुत बड़ा कामयाबी आप कह सकते हैं। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ से भी लोग जुड़ेंगे और हमारे प्रदेश से जो युवा हैं चिरंजीवी झा, ये भी जुड़ेंगे और बताएंगे किस तरह से दीव में जो अभी गेम हुआ था प्रशासक महोदय के नेतृत्व में, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के नेतृत्व में, तो ये कहीं ना कहीं आज हम सबको ये जानना चाहिए। तो सबसे पहले चिरंजीवी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत कम उम्र में जिस तरह से आप प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, संक्षिप्त में आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम चिरंजीवी झा है, मैं राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी हूँ और अभी मैं प्रदेश में खेलों के लिए कार्य करना चालू किया है। और मैंने अभी प्रेजेंट में ही दादर नगर हवेली दमन दीव वॉलीबॉल एसोसिएशन बनाया है और उस पर कार्य करना चालू किया है। मेरा यही मिशन है कि अपने प्रदेश के जो आदिवासी बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में शामिल करने का जो मेरी इच्छा है वो पूरा हो जी। तो चिरंजीवी जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो लगातार आप चीजें खेलो इंडिया के तौर पर जिस तरह से अभी एक प्रोग्राम हुआ था, जैसे कि दीव में एक कार्यक्रम हुई थी बीच गेम जो हुआ था, उसमें माननीय प्रशासक महोदय का ये एक चीज देखने को मिला था कि युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए दमन दीव दादरा नगर हवेली के तमाम युवा जो है वहां पर नजर आ रहे थे, एक्टिव नजर आ रहे थे। आपको भी उसमें चयन किया गया था और आप वहां पर कहीं ना कहीं जब आप मिले ठाकुर जी से, स्पोर्ट मिनिस्टर जो है अनुराग ठाकुर जी, फिर किस तरह की बात हुई और आज भी आपकी मुलाकात जो हुई है इनसे, तो क्या कहेंगे इस विषय पर? मैं कल भी अनुराग ठाकुर जी से मिला और दीव में भी वो बहुत ही अच्छा, प्रफुल्ल भाई पटेल जो हैं बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं प्रदेश में खेलों के लिए भी। और कल जब हम मिनिस्ट्री से मिले तो उनको बहुत ही खुशी मिला कि दमन दीव के जो अधिकारी हैं अब वॉलीबॉल या सभी खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और अच्छा मिलजुल के सब कार्य कर रहे हैं। और अभी कुछ ही समय में जो है वॉलीबॉल फेडरेशन की इलेक्शन भी होने वाली है। इस इलेक्शन के बाद जितनी भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप होगी उसमें हमारे प्रदेश के सभी युवा खिलाड़ी आएंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अब बात हमारे प्रदेश की तो हो गई, अब चलते हैं सीधे प्रदेश के छत्तीसगढ़ विस्तार से, जो लोग इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं और अपना नाम तो बना चुके हैं और साथ ही साथ उस जगह पर स्पोर्ट्स को किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो लोग अपना कार्य करना चाह रहे हैं उन्हें किस तरह से आगे बढ़ा रहे थे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगे छत्तीसगढ़ में किस तरह की वॉलीबॉल को आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं और किस तरह से उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में वॉलीबॉल गेम की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। अभी करेंट में दो प्लेयर है जो इंडियन टीम में रिप्रेजेंट करते हैं, दीपेश सिन्हा सीनियर इंडियन टीम में और शिखर सिंह है वो अपना अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेल चुके हैं, एशिया में उनको सिल्वर मेडल मिला हुआ है। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि दमन दीव के जो चिरंजीव झा हैं वो हमारे वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया जो कि 1951 में बना है उसके सबसे ज्यादा यंगेस्ट इनका रिकॉर्ड है, वो पहले सेक्रेटरी हैं जो इतनी कम उम्र में बन के आए हैं। और निश्चित ही दमन दीव की जो आगे के खिलाड़ी लोग हैं वो प्रदेश को तो प्रतिनिधित्व करेंगे ही, और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में वहां से ऐसे खिलाड़ी पैदा हैं जो देश का भी प्रतिनिधित्व करें और दमन दीव का नाम रोशन करें। आप दोनों स्पोर्ट मिनिस्टर जो है अनुराग ठाकुर जी, उनसे मुलाकात किए हैं, किस तरह का भाव उनको देखा गया? ऐसे तो बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, कई बार सिलवासा में उनका दौरा रहा है, हाल में आने वाले दिनों में भी शायद सुनने में आ रहा है कि वो आ रहे हैं। ऐसे में जब आप उनसे मिले तो किस तरह का विजन वो देखते हैं हमारे देश के युवाओं के लिए? माननीय खेल मंत्री श्रीमान आदरणीय श्रीमान अनुराग ठाकुर जी ने कल हमसे कहा कि हमें अब वॉलीबॉल जो है पूरे देश का गांव गांव का खेल है, इसमें ग्रास रूट पे काम करने की जरूरत है और हर स्तर पे इसमें काम करने की जरूरत है। डेफिनेटली अगर नया फेडरेशन जो अभी 17 फरवरी को चुनाव होना है उसके बाद बनेगा तो हम लोग उसमें शामिल रहेंगे और शामिल होने के बाद हम माननीय अनुराग ठाकुर जी के निर्देशानुसार उनकी मंशा अनुसार काम करेंगे और देश का वॉलीबॉल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एशिया ही नहीं वर्ल्ड लेवल पर हम ले जा करके जरूर से जरूर मेडल तालिका में भी लाएंगे।
जी, तो ये थे तमाम लोग जिन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से चिरंजीवी जो है वो अपने प्रदेश से जब पहुंचता है दिल्ली और यहाँ पर आने के बाद तमाम स्पोर्ट्स की चीजों में एक्टिविटी में नजर आता है और कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए बहुत ही कम उम्र में चिरंजीवी ये चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का नाम रोशन हो, हमारे प्रदेश के स्थानीय आदिवासी जो है इसमें से जो लोग हैं चुनकर राष्ट्रीय लेवल पर आए, देश लेवल पर आए और उनका नाम और मान सम्मान जो है, प्रदेश का नाम मान सम्मान जो है वो बनाने में लगातार जीतोड़ मेहनत इस कम उम्र में शुरू कर दिए हैं। कैमरा पर्सन दिल्ली से शिवा के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज़ लाइव, दिल्ली।